नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय कुमार, आरचे शिक्षा ग्रुप बानसूर से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीखने के तरीके के लिए। हम मैटर को कैसे सीखें, जो हमने याद किया उसको लंबे समय तक याद कैसे रखें, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि हम कुछ बातें जो हैं क्लास में गुरुजी जब बोलते हैं उस समय हमारे याद रहती हैं, लेकिन उसके बाद में हम भूल जाते हैं। अक्सर आपने ये भी महसूस किया होगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप भूल जाते हैं। इसके लिए मैं आपसे दो बातें करना चाहूँगा। नंबर एक, सीखने का तरीका कैसा होना चाहिए, और नंबर दो, भूलने का रीज़न कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। सीखने के तरीके में मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि यदि आपको साइकिल चलानी आती है, आपके पापा जी को साइकिल चलानी आती है, एक बार इंसान यदि साइकिल चलाना सीख जाता है, एक बार मनुष्य साइकिल चलाना सीख जाता है, और यदि उसको 10 साल बाद में साइकिल चलाने के लिए कहा जाए और बीच में यदि वो साइकिल नहीं चलाता है, तो भी 10 साल बाद में भी वो उस साइकिल को फिर से चला सकता है, क्योंकि साइकिल चलाने का सीखने का तरीका बड़ा अजीबोगरीब था। आपका साइकिल को चलाने में बहुत गहरा इंटरेस्ट था, इसलिए आपने उस साइकिल को चलाने में अपनी रुचि रखते हुए उस साइकिल को चलाने में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। आपने महसूस किया होगा, एक बार यदि किसी इंसान को तैरना आ जाता है, तो जब उसको विपरीत परिस्थिति में यदि माना डूबने की कोई समस्या आ गई, तो वो अपना तैरने का वो गुण उस समय अपने आप को बचाने में काम में लेता है। इसलिए मेरे दोस्तों, सीखने के लिए आपको साइकिल की तरह, आपको तैरने की तरह सीखना होगा। जिसको एक बार सीख गए, जिसको एक बार याद कर लिया, उसको जीवन में दोबारा नहीं भूलें, ऐसा हमारे को करना होगा। अब नहीं भूलने का जो कारण है वो क्या है कि कहीं हमारे इंटरेस्ट कम हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी रुचि कम हो जाती है। जिस मैटर में हमारी इंटरेस्ट कम होता है, अक्सर वो हमारे दिमाग से निकल जाता है। आप महसूस करें, आप याद करें, आपने जब आप छोटे थे, जब आप 4-5 साल के होंगे, आपको आपकी मैडम ने ABCD सिखाई थी, आपको उस समय आपकी मैडम ने 1-2-3-4 काउंटिंग सिखाई थी, आज भी आपको याद है। वो आपके नर्सरी में याद थे, LKG में याद थे, 5th में भी याद है, 10th में भी याद है, 12th में भी याद है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन में भी आपके वो याद है। क्यों है? क्योंकि उस समय आपका ABCD में आपकी मैडम ने इंटरेस्ट पैदा किया और आपने उस ABCD को याद किया। अरे, उम्र के साथ मैटरी तो बढ़ा है। अगर हमारा इंटरेस्ट प्रत्येक मैटर में रहे, हमारी रुचि रहे, तो निश्चित है हम उस मैटर को बहुत अच्छे से समझ करके उसको भी याद रख सकते हैं। इसलिए इसको आपको जीवन में याद रखना होगा कि हमें यदि किसी मैटर को लंबे समय तक याद रखना है, तो हमारे को उस मैटर को इंटरेस्ट के साथ याद करना होगा, रुचि के साथ याद करना होगा। जिस मैटर में आपका इंटरेस्ट होगा, वह मैटर आपका लंबे समय तक आपके याद रहेगा। इसलिए आप मैटर को अच्छे से समझकर अच्छे इंटरेस्ट के साथ में उस मैटर को तैयार करें, ताकि आपको मैटर हमेशा के लिए याद रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।